हेलो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू तो पहला एम है विच ऑफ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन सी है ऑप्शन है वेना के वटा पलमनरी वेन नन ऑफ दी अबो तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का अवाटा द अवाटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी बिकॉज इट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द हार्ट एंड इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ब्लड ट्रांसपोर्ट टू द एंटायर बॉडी तो अवाटा जो है ये हार्ट के लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है ए डिलीवर करता है ब्लड को फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी और अवाटा का हम डायमीटर देखें तो अप्रॉक्स थ्री सेंटीमीटर तक होता है और ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं तो सही आंसर है हमारा अवाटा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले अब हमें स्ट्रक्चर देख लेते इसमें अवाटा के डायग्राम दी गई हुई है नेक्स्ट द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू जो ब्लड का रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है तो ऑप्शन है मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन हेप्टाग्लोबिन तो देखिए सही आंसर है हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर रहता है इच ऑफ द रेड ब्लड सेल्स कंटेंट हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन इज एन आयरन रिच प्रोटीन वेन हिमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन द इंटरेक्शन बिटवीन देम गिवज आवर ब्लड इट्स रेड तो रेड कलर जो होता है वो हिमोग्लोबिन के वजह से रहता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन दर्गुलेशन ऑफ ब्लड तो कौन सा विटामिन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व रहता है C, A, Vitaway D, Vitaway तो ऑप्शन तो है विटामिन के विटामिन ए विटामिन डी विटामिन सी तो देखिए सही आंसर इस क्वेश्चन का विटामिन के विटामिन के प्ले अ की रोल इन हेल्पिंग द ब्लड क्लॉट प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग अनलाइक मेनी अदर विटामिन विटामिन के इज नॉट टिपिकली यूज एज अ डायटेरी सप्लीमेंट तो सही आंसर है विटामिन के विटामिन के जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है दो तरह के विटामिन रहते हैं फैट सोल्यूबल और दूसरा वाटर सोल्यूबल तो विटामिन के जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कार्पस कॉल्ड ऑप्शन है लायोसाइट थायरोसाइट मोनोसाइट होमोसाइट तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का मोनोसाइट्स तो देखिए मोनोसाइट्स के बारे में दीज आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड कैन बी अप टू ट्वेंटी माइक्रोमीटर इन डायमीटर दे हैव अ लार्ज सेंट्रिकली प्लेस्ड न्यूक्लियस विच इज किडनी बीन शेप्ड दे हैव एबंडेंट साइटोप्लाजम एंड सम फाइन पिंक और पर्पर ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाजम तो देखिए सही आंसर है मोनोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप दिए गए हुए मोनोसाइट सीओसिनोफिल्स बैसोफिल लिम्फोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स तो सही आंसर है हमारा मोनोसाइट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द फाइब्रिनोजन विच इज एसोसिएटेड विथ ब्लड क्लॉटिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय तो फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है वह किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है ऑप्शन है बोन मैरो लीवर पैनक्रियाज तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का लीवर फाइब्रोन्यूजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड रिलीज इन टू द ब्लड अलॉन्ग विथ सेवरल अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नॉर्मली वेन अ बॉडी टिश्यू और ब्लड वेसल्स वॉल इज इंजर्ड अ प्रोसेस कॉल्ड हिमोस्टेटिस बिगिन्स टू हेल्प स्टॉप द ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग अ प्लग ट द इंजुरी साइट तो सही आंसर है हमारा लिवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली कंसिडर्ड टू बी एन ऑप्टीमल ब्लड प्रेशर लेवल तो आमतौर पर ऑप्टीमल ब्लड प्रेशर की लेवल कितनी होती है ऑप्शन है नाइनटी सिक्सटी एम एम एच जी वन फोर्टी नाइनटी एम एम एच जी वन ट्वेंटी एटी एम एम एच जी हंड्रेड फिफ्टी एम एम एच जी तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वन ट्वेंटी एटी देखिए आइडियली वी शुड ऑल हैव अ ब्लड प्रेशर बिलो वन ट्वेंटी ओवर एटी दिस इज द आइडियल ब्लड प्रेशर फॉर पीपल विशिंग टू हैव अ गुड हेल्थ एट दिस लेवल वी हैव अ मच लोअर रिस्क टू हार्ट डिजीज और स्ट्रोक तो सही आंसर है हमारा वन ट्वेंटी एटी एम एम एच जी अब हम ये भी देख लेते ब्लड प्रेशर रीडिंग आर एक्सप्रेस इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी तो एम एम एच जी यानी मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी दिस यूनिट इज एब्रीबेटेड एज एम एम एच जी तो एम एम एच जी का फुल फॉर्म क्या है मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं स्पिगनो कहते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा टाइप है वाइट ब्लड सेल का लिम्पोसाइट्स मोनोसाइट्स बेसोफिल्स ऑल ऑफ अबाउ तो सही आंसर ऑल ऑफ अबाव क्योंकि जो लिम्पोसाइड बेसोफिल्स मोनोसाइट जो है ये तीनों भी वाइट ब्लड सेल्स के टाइप है देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन द ह्यूमन बॉडी हैज़ एन एवरेज ऑफ ब्लैंक स्पेस ब्लड इन इट टू टू थ्री लीटर्स वन टू टू लीटर्स फोर टू फाइव लीटर नाइन टू टेन लीटर्स तो सही आंसर देखिए 4 to 5 liter. The average adult has about 4.5 to 5.5 liters of blood circulating inside their body. To say answer hai 2 sorry no, 4 to 5 liters. Deekhye, if the corpuscles from blood are removed, what remains is called यदि ब्लड से कार्पसस को रिमूव किया जाए तो क्या बचता है ऑप्शन है सीरम प्लाज्मा वैक्सीन लिम्फ तो सही आंसर देखिए क्या है प्लाज्मा बचते हैं तो ये देखिए स्ट्रक्चर है एलिमेंट्स ऑफ ब्लड का इसमें दिया गया हुआ है प्लाज्मा प्लेटलेट्स रेड ब्लड सेल्स तो ब्लड जो है ये टू टाइप में क्लासिफाई होता है पहला है ब्लड कार्पसेस और दूसरा है प्लाज्मा तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्लड कार्पसेस को रिमूव करें तो क्या बचता है तो आंसर होगा प्लाज्मा जो लिम्फोसाइट बेसोफिल इओसिनोफिल मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स प्लेटलेट्स ये जो है ये सारे ब्लड कार्पसेस के कार्पसेस में आते तो बचता है हमारा प्लाज्मा तो सही आंसर है प्लाज्मा अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड तो अन्य सभी सेल्स से किसकी संख्या ब्लड में अधिक होती है ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स इरेथ्रोसाइड्स प्लेटलेट्स न्यूट्रोफ़िल्स तो सही आंसर क्या है इरेथ्रोसाइड्स की रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल को या इरेथ्रोसाइड्स कहते हैं नोन फॉर देयर ब्राइट रेड कलर रेड सेल्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल इन द ब्लड अकाउंटिंग फॉर अबाउट फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम तो इरेथ्रोसाइट्स जो है इसकी संख्या ब्लड में अधिक होती है तो सही आंसर है हमारा एरिथ्रोसाइट्स तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए थैंक यू